खबरों में आगे बढ़ते हैं और खजुराहो से बड़ी खबर, जहां G20 को लेकर बड़ी बैठक हुई, विदेशी मेहमानों के स्वागत पर चर्चा हुई है। इसके अलावा पर्यटन स्थल के भ्रमण को लेकर भी चर्चा हुई है। पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना मंदिरों का अवलोकन करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद ने ये बैठक की है। 23, 24 और 25 फरवरी को खजुराहो में G20 बैठक होने वाली है। काफी अहम ये बैठक है और इस दौरान किन किन तरह की तैयारियों को रखा जाएगा और भ्रमण को लेकर भी, जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, उनके भ्रमण को लेकर क्या कुछ तैयारियां होंगी, इसको लेकर भी ये एक बड़ी बैठक हुई है। विदेशी मेहमानों के स्वागत पर चर्चा हुई है इस बैठक में, किस तरह से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा क्योंकि वो पहली बार यहां पर आ रहे हैं। पर्यटन स्थल के भ्रमण को लेकर भी चर्चा हुई है और जिस तरह से G20 की बैठक की जो मेजबानी है ये करने का जो मौका खजुराहो को मिला है, तो ऐसे में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी यहां पर ये बैठक हो रही है। कई तरह की चीजों की तैयारियां इस बैठक को लेकर की जा रही है। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुलभूषण का, तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुलभूषण, देखिए ये जो एक मौका मिला है खजुराहो को G20 बैठक करने को लेकर, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है और ऐसे में जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं उनके स्वागत को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हुई है। देखिए G20 के आयोजन को लेकर खजुराहो में एक बड़ी बैठक प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा और बीजेपी सांसद ने ली है। बैठक में छतरपुर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान के स्वागत और पर्यटन स्थल के भ्रमण को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की गई है। इसके साथ ही जो विदेशी मेहमान पर्यटन स्थल का भ्रमण करेंगे, स्वागत उनका किया जाएगा, उनके रुकने खाने की व्यवस्था, G20 में आने वाले विदेशी मेहमान पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना के मंदिरों का भी अवलोकन करेंगे। आगामी 23, 24 और 25 फरवरी को G20 की एक बैठक जो है खजुराहो में आयोजित होनी है, तो इसको लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा ने ली है। इस बैठक में ओम प्रकाश सकलेचा सहित जिले के तमाम अधिकारी और जिले के जो प्रभारी वरिष्ठ नेता है वो इस बैठक में मौजूद थे। तो जो विदेशी मेहमान मध्यप्रदेश पहुंचेंगे उनके स्वागत सत्कार को लेकर इस बैठक में जो है रणनीति बनी है। जी बिल्कुल कुलभूषण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।